फ्रेंड्स, मेरा आज का वेट मैं आप लोग से शेयर करी हूँ 57.400। मैंने वेनेसडे से मेरा हेल्दी रूटीन स्टार्ट किया था, तभी था 58.200। वो हिसाब से मेरा 3 दिन में हेल्दी तरीके से 800 ग्राम मेरा वेट लूज़ हुआ है फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रसिलास किचन। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से विश यू हैप्पी न्यू ईयर। बना रही हूँ रात को डिनर के लिए चिकन पास्ता बना रही हूँ फ्रेंड्स। आज 31st है तो 31st के लिए थोड़ा सा स्पेशल बना रही हूँ। तो आज और कल मैं कुछ ना कुछ बनाएगी, उसके बाद फिर से मेरा वेट लॉस का हेल्दी रूटीन स्टार्ट होएगा फ्रेंड्स। तो मेरा 3 दिन में कितना वेट लूज हुआ वो भी मैं दिखा देगी आप लोग को। पहला थोड़ा सा तेल डाल दिया, तो चिकन में मैरिनेट करके रखी हुई हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर, थोड़ा सा विनेगर डाली थी मैं, विनेगर और नमक डाल के मैं छोटा छोटा पीसेस में कट की थी। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से पका के लेंगे, मीन्स फ्राई करके लेंगे। आज मैं लेट कर रही हूँ फ्रेंड्स, चलिए मैं इसे थोड़ा पकने दो अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से पक गया है क्योंकि छोटा छोटा पीसेस में मैंने कट किया ना, तो जल्दी पक गया। इसमें थोड़ा और ऑयल डाल देती हूँ। अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन को मैं कट के रखी हूँ, वो मैं डाल देती हूँ। ऑनियन को भी डाल देती हूँ, ऑनियन भी कट करके रखी थी। देखिए छोटा छोटा टोमेटो 4 ली थी मैं, उसको बॉईल किया था, उसको पीस के लिया। टोमेटो प्यूरी भी डाल दिया। थोड़ा सा मैं ये टोमेटो सॉस डाल देती हूँ, थोड़ा सा मेयोनीस डाल देती हूँ, पास्ता मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा टोमेटो सॉस ज्यादा हो गया, इसके लिए बैलेंस करने के लिए थोड़ा मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। चिकन को डाल देती हूँ। पास्ता ऑलरेडी बॉईल करके रखी हूँ, ये व्हीट पास्ता है, मैदा का नहीं है, ये भी मैंने डाल दिया। अभी पास्ता बनके तैयार हो गया फ्रेंड्स। अभी मैं खाने के लिए बैठ रही हूँ, गरम गरम खाएगा तो ये अच्छा लगता है ना। तो वंस अगेन सबको विश यू हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।